7 साल में मैंने तकरीबन पता नहीं मैंने कितने स्क्रिप्ट सुने हैं, कितनी स्टोरी सुनी हो तो याद नहीं, बट हाँ इतना याद है कि मैंने 150 डायरेक्टर के ऊपर मैंने डायरेक्टर्स लोगों को मिला था। बैंगलोर से स्क्रिप्ट शुरू होगी, बैंगलोर से हीरो बनारस जाएगा और बनारस के बाद हीरो वापस फिर से बैंगलोर आएगा। तो बोला ठीक है सर। तो हम लोग ऐसे ऐसे डिस्कस करते हुए मैं और हमारे डायरेक्टर और अपने कैमरामैन, हम तीन लोग रेकी करने के लिए, लोकेशंस हंट करने के लिए हम लोग बनारस गए थे। सो दैट्स हाउ वी फाइनलाइज द टाइटल बनारस एंड दैट्स हाउ वी शॉट इन बनारस द एंटायर फिल्म, बिकॉज 90% ऑफ द फिल्म इज बीन शॉट इन। आप सिर्फ सोच के देखिए सर कि आप एक्टर हो, आप मेरे सामने एक्ट कर रहे हो एंड आप एक लड़की हो या फिर आप लड़के हो या फिर मैं लड़की, कुछ भी एबीसीडी, यहाँ पर एक डेड बॉडी है, लाश है, जल रही है और एक यहाँ पर लाश वेट कर रही है और उस तरफ उनकी फैमिली रो रही है। ओह माय गॉड ब्रदर, डोंट आस्क मी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने जिंदगी में वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता। सो वेलकम ऑल टू एबीपी लाइव एंड एंटरटेनमेंट लाइव, और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस फिल्म से अपना डेब्यू करने जा रहे एक्टर जैद खान। सो जैद, बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव में और एंटरटेनमेंट लाइव में। सो इस वक्त कहाँ हैं आप और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बैंगलोर में हूँ अभी। पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा है पिक्चर का अभी, बिकॉज रिलीज के लिए सिर्फ 1-1.5 महीना ही काम बचा है अभी, तो इसमें बहुत भाग दौड़ चल रही है। ओके तो शुरू करते हैं बनारस में से। मैंने उसका एक तो मोशन पोस्टर भी देखा और जो आपका माया गंगे वाला गाना था वो भी देखा, तो दोनों में ही बड़ा कमाल लग रहा है। अगर बात करें उसके सिनेमाटोग्राफी की और उसका जो बीजीएम है और जिस तरह की लोकेशंस, बनारस ऑफ कोर्स इज अ वेरी बहुत बढ़िया लोकेशंस है। सो शुरू से पूछना चाहूंगा कि जो बनारस फिल्म है वो आपको कैसे ऑफर हुई थी, कैसे अप्रोच किया गया था, डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया या आपने ऑडिशन दिया था, कैसे पूरा सिलसिला हुआ ये जरूर बताएं। सर ये फिल्म इंडस्ट्री में मुझे 7 साल हो चुके हैं आकर, बट अभी जाकर मैं नंबर लगा। तो 7 साल में मैंने तकरीबन पता नहीं मैंने कितने स्क्रिप्ट सुने हैं, कितनी स्टोरी सुनी हो तो याद नहीं, बट हाँ इतना याद है कि मैंने 150 डायरेक्टर के ऊपर मैंने डायरेक्टर्स लोगों को मिला था, आई मेट देम, उनके साथ स्क्रिप्ट डिस्कस की थी। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रहा था कि अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही थी तो अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल पा रहा था, अगर अच्छा डायरेक्टर मिल पा रहा था तो अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी, अगर दोनों भी मिल रहे थे तो डायरेक्टर 2-3 साल के लिए एक बड़े स्टार के पास ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरे 7 साल मेरी जिंदगी के इसी चक्कर में चले गए, बिकॉज आई एम वेरी स्पेसिफिक एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई विजन कि मुझे इस तरीके के ही मेरे को एक स्क्रिप्ट चाहिए, यही लव स्टोरी चाहिए, ऐसा ही आई वॉन्ट टू, आई नो माई सेल्फ, मेरे प्लस एंड माइनस मुझे अच्छा पता है। तो मैं अगर कोई सी चीज करूंगा अच्छा लगूंगा या कोई सी चीज करूँ ना करूँ तो अच्छा ना लगू। तो ऐसे दौरान ऐसे सिलसिले में वन फाइन डे मैंने जयतीदा सर को सर के बारे में पता चला कि बिकॉज उनकी लास्ट फिल्म बेल बॉटम थी, इट वॉज अ बिग हिट इन साउथ एंड नॉर्थ एज वेल, तो मैंने वो पिक्चर देखी, एक थोड़े ग्लिम्स है वो सब देखे एंड पिक्चर वॉज सुपर हिट। देन आई अप्रोच्ड हिम कि सर आप मुझे लॉन्च कीजिएगा, आप मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट बताइएगा करके। तो हम लोग एक 6 मंथ्स ऐसे ही एज अ फ्रेंड हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, ना कि हम लोग स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे ना ही कैरेक्टर। मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी कि यार ये क्यों स्क्रिप्ट क्यों नहीं बात कर रहा है, ये क्यों एक किसी एक सिनेमा के रिलेटेड कुछ नहीं बात कर रहा है, ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट माई पास्ट और माई प्रेजेंट, माई हॉबीज, मैं क्या चीज मुझे पसंद है खाने में या ना पसंद है, ऐसे कैजुअली हर रोज हम लोग मिल रहे थे। तो ऐसा करते करते उन्होंने लास्ट में बताया कि आई वॉन्ट टू नो योर प्लस एंड माइनसेस, मतलब कि आपको किस वजह से आपको खुशी होती है, किस बात पे आप हंसते हो रोते हो, ही वांट टू अंडरस्टैंड माय बॉडी लैंग्वेज। तो इस वजह से हम लोगों ने 6 मंथ्स ट्रैवल किया और 6 मंथ्स के बाद सर ने मुझे एक प्लॉट बोला कि दिस इज द स्टोरी। एकदम थक करके एकदम माइंड ट्रिगर हुआ मुझे कि मैंने बोला कि यार ये तो मैं ढूंढ रहा था, दिस इज व्हाट आई वाज फाइटिंग फॉर एंड आई वाज वेटिंग फॉर सो मेनी इयर्स। एंड फाइनली आफ्टर द प्रोडक्शन स्टार्टेड हम लोग जब प्लान कर रहे थे मतलब शूटिंग का ये वो सब, टाइटल क्या रखे, क्वेश्चन नंबर 1, टाइटल हम लोगों ने 50% शेड्यूल के बाद हम लोगों ने टाइटल सेलेक्ट किया था बनारस करके,
इससे पहले आधी बहुत शॉर्ट समय हो का गई गैप थी। जी, 50% तो शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। तो डिस्कशन चल ही रहे थे कि कौन सा टाइटल रखें, कैसे रखें, क्या रखें करके। बिकॉज पहले हमारा प्लान नहीं था कि हम लोग पैन इंडिया रिलीज करेंगे, हमारा सिर्फ यही प्लान था कि हम लोग कन्नड़ में, कर्नाटका में, कन्नड़ा में रिलीज करेंगे करके, वन सिंगल लैंग्वेज में। फिर उसके बाद जाते जाते हम सर ने ये बताया कि हमको बनारस जाना है, हीरो स्क्रिप्ट के अंदर बैंगलोर से स्क्रिप्ट शुरू होगी, बैंगलोर से हीरो बनारस जाएगा और बनारस के बाद हीरो वापस फिर से बैंगलोर आएगा। तो बोला ठीक है सर। सो हम लोग ऐसे ऐसे डिस्कस करते हुए, मैं और हमारे डायरेक्टर और अपने कैमरामैन, हम तीन लोग रेकी करने के लिए, लोकेशंस हंट करने के लिए हम लोग बनारस गए थे। वहां पर जाने के बाद वहां का जो एक एटमोसफियर था, वहां की जो एक वाइब्स थी, जो कहीं पर भी आप कैमरा रख दो, आपको एक ब्यूटीफुल एक फ्रेम मिल जाएगा आपको वहां पर। आई लव दैट प्लेस, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई दैट प्लेस। तो मैंने सर को एक ही बात बोला कि सर लेट्स नॉट गो बैक टू बैंगलोर, सारी पिक्चर हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं, बिकॉज वी हैव टू फिनिश, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा कल्चर है, बहुत चीजें हैं जो आज तक पब्लिक को पता नहीं है इस चीजों के बारे में, एंड पीपल विल लाइक इट, पीपल विल लव इट टू वॉच इट। बिकॉज जब आप बनारस देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बनारस में हो। सो दैट्स हाउ वी फाइनलाइज द टाइटल बनारस, एंड दैट्स हाउ वी शॉट इन बनारस द एंटायर फिल्म, बिकॉज 90% ऑफ द फिल्म इज बीन शॉट इन बनारस। तो बनारस शहर के बारे में बोला भी जाता है कि आप उस शहर में जाओ तो वो शहर ऐसा है कि आप बहुत जल्दी वो आपको अपना लगने लगता है और उस शहर से जाने का मन ही नहीं करता है। 100%, 100%, यस 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 सर, हम लोग इजीली 80 डेज शूटिंग किया सर वहां पर, 80 डेज। मैं वहां पर तकरीबन 100-120 डेज था, शूटिंग से 20 दिन पहले और शूटिंग के 20 दिन बाद। तो 80 डेज हम लोगों ने शूट किया एंड वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग। बट एक थोड़ा ये क्या था बोले तो अपना ये, हम लोग वहां पर क्लाइमेट का बहुत प्रॉब्लम था जब हम लोग शूट कर रहे थे, बहुत ठंड थी उस वक्त। एंड आपने तो देखा होगा सॉन्ग में माया गंगे में कि मैंने बहुत एकदम पतला वाला थिन शर्ट हाँ बिल्कुल, पहना और था, पानी में तो डुबकी भी मुझे लगा रहे हो आप। जी, तो एकदम हालत तो बहुत खराब हो गई थी। बट आई लव कोल्ड क्लाइमेट, उससे मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बहुत तकलीफ हुई बिकॉज इट वॉज -2 टेम्परेचर, और मेरे डायरेक्टर और जितनी भी पूरी टीम थी बनारस की, वो लोग स्वेटर, हुडी, ग्लव्स, ये सब पहन के रहते थे, बट मुझे कभी वक्त नहीं मिला पहनने में। आगे बात करते हैं तो ये जो फिल्म का मैंने देखा है, इसका मोशन पोस्टर और जो सॉन्ग्स भी हैं, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि एक मेथोलॉजी से कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि बनारस का जो एनिमेशन दिखाया गया है और अंडर वाटर जो शॉट्स देखे मैंने उसके मोशन पोस्टर में, तो वो एक वही मैं जानना चाहूंगा कि वो माइथोलॉजी और फिक्शन, क्या दोनों का मिक्सचर हमें देखने मिलने वाला है, या सिर्फ माइथोलॉजी है, या सिर्फ फिक्शन है, या सिर्फ रोमांस ही है? सर ये पिक्चर के अंदर आपको हर चीज मिलेगी, फैमिली एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको, एक इंटेंस लव स्टोरी मिलेगी आपको, और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। एंड डेफिनेटली साउथ की पिक्चर रहेगी तो डेफिनेटली एक एक्शन मास, वो तो डेफिनेटली तो रहेगा एक एक्शन। तो सो इट इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर द ऑडियंस। जैद, इसी तरह की एक फिल्म अभी कुछ दिन पहले भी आई थी जिसका नाम था कार्तिकेया 2। सो उसमें भी जी जैसे आपके शहर में बनारस का जो दिखाया जा रहा है, सेम उस पिक्चर में, तो सेम तो नहीं, सॉरी, उस पिक्चर में द्वारका से रिलेटेड, जो श्री कृष्ण से रिलेटेड है, वैसा दिखाया गया था। तो आपको क्या लगता है कि जब आपकी फिल्म रिलीज होगी, तो और वो भी साउथ की फिल्म है कार्तिकेय 2, तो उसका और बहुत जी बड़ी हिट हुई, तो आपकी फिल्म का और उस फिल्म का क्या कंपैरिजन होगा, लोग करेंगे? क्योंकि जैसा आपने बताया मैथोलॉजी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है लोगों को लगे, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ कुछ शॉर्ट्स लग रहे सर, हैं मैंने तो। कार्तिकेय 2 पिक्चर देखी, हाँ बट कार्तिकेय 2 सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है। हाँ थोड़ा हाँ बहुत 1-2% ऊपर मैच हो सकता है, बट 99% कुछ दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट एंड दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट, तो आई डोंट थिंक सो कंपैरिजन होगा करके। ओके। एंड एक सीन के बारे में मैं जरूर वो हाईलाइट करना चाहूंगा, वो मैंने देखा सॉन्ग में, जो माया गंगे सॉन्ग है, मणिकर्णिका घाट पे यू हैव शॉट, एंड आप बैठे हुए हो, आप सोनल मोंटेरियो का जो करेक्टर है, आपकी जो लव इंटरेस्ट है, उसके बारे में सोच रहे हो, एंड देन शंभू कम्स एंड सेट किया जी यहाँ पे, तो अंत होता है एंड यहीं पे आपका लव जी स्टोरी चल रहा है। तो इन दैट प्लेस, मतलब जहाँ पे चिताएं जल रही हैं लोगों की, वहां पे
आप रोमांटिक मतलब कैसे फील कर सकते हैं, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट होगा। सर मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी पोजीशन उस टाइम पे कैसे थी। आप सिर्फ सोच के देखिए सर कि आप एक्टर हो, आप मेरे सामने एक्ट कर रहे हो, एंड आप एक लड़की हो या फिर आप लड़के हो या फिर मैं लड़की, कुछ भी एबीसीडी। यहाँ पर एक डेड बॉडी है, लाश है, जल रही है, और एक यहाँ पर लाश वेट कर रही है, और उस तरफ उनकी फैमिली रो रही है। भाई बहन सब लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, और मुझे यहाँ पर रोमांस करना है। ओ माई गॉड ब्रदर, डोंट आस्क बहुत मी। मुश्किल। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने जिंदगी में वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता। बट वहां से प्रोड्यूसर का प्रेशर आ रहा था, सामने से डायरेक्टर सर बोल रहे थे कि वी हैव टू डू द शूट, वी हैव टू डू इट करके। मैंने बोला सर हाउ कैन आई डू इट, मेरे अंदर एक, मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर एक इंसानियत है, चाहे कुछ भी हो, एक एक किसी की चिता जल रही है उसके सामने, या फिर आड़ोस पड़ोस में अगर मैं रोमांस करूंगा तो कैसे लगेगा। आई कांट डू इट, बट हुक और क्रूक आई हैव टू डू इट, इट इज माई वर्क। तो बहुत तकलीफों के बाद, बहुत एकदम वो घोड़े को जो ये लगाते हैं ना अपने आंखों के पास, मतलब हाँ इधर का ना देखे ना करके, देखे तो कुछ कुछ वैसी आई सिमिलर वॉज वेरी, कंडीशन थी आपकी भी शायद। तो अगर मैं अपना माइंड भी डाइवर्ट भी कर लूँ, वो जो स्मेल थी ना, वो बहुत एकदम चक्कर दिमाग घूम रहा था मेरा। हाँ, तो और इस तरह के सीन मतलब ऐसा वहां पे चल रहा है और उसके बीच में आपको अपने एक्सप्रेशंस कैसे कंट्रोल करने पड़ते हैं ये तो आप जानते होंगे, तो इसी से पता चलता है कि यार आपकी डेब्यू में भी यार यू आर डूइंग वेरी गुड एंड फिल्म भी बहुत अच्छा मतलब करेगी। और अब जो आपका थैंक यू सर सॉन्ग जो रिलीज होने वाला है इसका फिल्म का, जो जी। ट्रोल सॉन्ग है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि जो ये पूरे ट्रोलर्स के ऊपर बनाया गया, तो कैसे ये ट्रोल सॉन्ग ही इसका नाम क्यों पड़ा? और मैंने सुना कि ये इसका कुछ पार्ट जो है बैंकॉक में भी शूट हुआ है, सो डेब्यू फिल्म में बैंकॉक में जाने का मौका मिला है। और हम लोग जैसे बॉयज लोग का ड्रीम होता है कि बैंकॉक में हम एटलीस्ट चले जाए, और आपको तो फिल्म का डेब्यू फिल्म का बैंकॉक में जाके जो है सॉन्ग शूट, तो द फीलिंग ऑफ दैट कि आप बैंकॉक में पूरा जो था। सर हम लोगों ने बैंकॉक, जब हम लोगों ने पार्टी सॉन्ग करके डिसाइड किया, तो वी वांटेड प्लेंटी ऑफ लोकेशंस, मतलब बीच वाला लोकेशन, पब, डिस्को एंड ऑल, आपको तो पता है पार्टी मतलब धूमधाम बॉयज कैसे हाँ करते हैं पूरा करके। तो हमको खर्च बचाने के लिए, मतलब तो एक एक पैकेज के अंदर, एक अमाउंट के अंदर हमको खत्म करना था, एक लिमिट थे प्रोड्यूसर की तरफ से कि इतने के अंदर ही आपको खत्म करना है शूट। तो सबका सजेशन था कि बैंकॉक इज द बेस्ट, आपको वहां पर क्लब्स मिल जाएंगे, आपको वहां पर इंडोर आउटडोर बीचेस सब मिल जाएगा वहां पर। तो हम लोग बैंकॉक गए, वी शॉट फॉर 3-4 डेज, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द शूट बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। तो हमको वापस बैंगलोर आना पड़ा। तो बैंगलोर आने के बाद पैंडमिक का फर्स्ट लॉकडाउन होने के बाद, बीच में जो छोटा मोटा जो गैप मिला था हमें, तो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव टू फिनिश द शूट बिकॉज डायरेक्टर्स के दूसरे फिल्म के साथ डेट्स थे, और सब आर्टिस्ट के सब लोग बिजी थे दूसरी फिल्म चालू स्टार्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पूरा सेट क्रिएट किया हम लोगों ने बैंगलोर में। एंड अभी ट्रॉल सॉन्ग टाइटल के बारे में अगर मुझे बात करना है, तो ये गाना आकर जितने भी ट्रॉल्स हुए हैं इंडिया के अंदर, किसी के भी जो सबसे एकदम सुपर डुपर हिट होके हैं, जो फेमस होके हैं, उसको पिकअप करके हम लोगों ने एक गाना बनाया है। एंड इट इज नॉट बिकॉज की टू पुल सम अदर्स लेग्स और टू टीज करने के लिए, मजाक बनाने के लिए नहीं, इट इज रिलेटेड टू द कंटेंट। जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रॉल गाना आपको हाउ इट गिव द कनेक्ट टू द फिल्म। नाइस। तो और मैं पूछना चाहूंगा कि ये सोनल मोंटेरियो, और हम तो जानते हैं काफी फिल्में उन्होंने की हैं, और सो आपके लिए तो सीनियर एक्ट्रेस ही रही थी, लेकिन जिस तरह की केमिस्ट्री आप दोनों की दिखाई दे रही है, मुझे तो लग रहा है दोनों के दोनों ही एक्सपीरियंस एक्टर हैं। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद सोनल मोंटेरियो? जब मुझे सर बताया कि सोनल मोंटेरो, सर ने बोला क्यों क्या हुआ, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, मैंने बोला सर वो बहुत बड़ी हीरोइन है, उनके टैंटरम्स होंगे एंड अगर वो मुझे डिग्रेड कर देगी या फिर मैं अगर मुझे मैं थोड़ा कम दिख गया तो फायदा क्या है पिक्चर करके, आई डोंट वांट टू डू इट करके। बट सर नहीं माने, सर ने सिर्फ एक ही बात बोला कि मुझे यही चाहिए, शी इज द परफेक्ट गर्ल फॉर दिस कैरेक्टर, आई वॉन्ट हर हुक और क्रुक। बट समहाउ वी जस्ट स्टार्टेड द शूट, तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन बहुत तकलीफ हो रही थी बिकॉज बॉन्डिंग नहीं थी, फ्रेंडशिप नहीं थी, पहले हम लोग जानते भी नहीं थे। तो थोड़े दिन जाने जाने के बाद हमारी फ्रेंडशिप उतनी बनी नहीं, लेकिन जब हम लोग बनारस आए, बनारस में शी इज अ बिग फैन ऑफ स्वीट्स, और मैं डाइट पे था,
मैं स्पाइस नहीं खा सकता था। हम्म, तो वहां से हमारी बनारस में दोस्ती बहुत बढ़ गई। मतलब वो उस हम लोग पैकअप के बाद वी यूज टू गो आउट हैव स्वीट्स, शी यूज टू हैव, मैं तो नहीं खाता था, वो खाती थी। शी यूज टू हैव चाट समोसा ये वो, वहां की जितनी भी फेमस वेराइटीज थे, शी यूज टू एंजॉय लाइक एनीथिंग। सो वहां से हमारी बॉन्डिंग बढ़ती शुरू हो गई एंड उसके बाद हमको काम करने में बहुत मजा आने लगा एंड आर केमिस्ट्री हैज वर्क अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। सो लास्टली पूछना चाहूंगा कि कोई एक ऐसा किस्सा फनी या सैड जो आप जे फिल्म्स की शूटिंग के दौरान ना भूलने वाला रहा हो। एक मणिकर्णिका घाट का तो हमने सुन लिया, तो वो तो डेफिनेटली सैड मोमेंट था। एक कुछ फनी मोमेंट शेयर करना चाहें डायरेक्टर सर के साथ या सोनल के साथ तक पर हो, जो आपका मतलब कभी भूलेगा नहीं लाइफ में। सर बहुत सारे हैं, तो मैं एक बोलना चाहूंगा अभी यहाँ पर। सोनल बहुत डरपोक है, ओह उसे बहुत भूत प्रेत से बहुत डर, उसको बहुत डर लगता है। सो अच्छा, वो बहुत बोलती थी कि मुझे बहुत भूत प्रेत से बहुत डर लगता है एंड शी डजंट स्लीप अलोन। ओ उसके उसके साथ तो कोई ना कोई एक असिस्टेंट या फिर उसकी कोई कजिन बहन या मदर तो हर हमेशा साथ में रहती है, शी डजंट स्लीप अलोन। तो मुझे बात मुझे पता थी। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने सोनल को इनवाइट किया आगे से कि सोनल कि आज शाम में मैंने बिरयानी ऑर्डर किया है, सो व्हाई डोंट यू कम डाउन टू माई रूम, सो हम लोग साथ में खाना खाएंगे करके विथ योर कंप्लीट टीम। शी सेड ठीक है आई विल कम टू नाइट करके। तो सोनल और उसकी सारी टीम दे केम टू माई रूम। देयर वाज थ्री और फोर फ्रेंड्स बनारस की शूट के टाइम में बनारस में। तो मैंने उनको बोला कि जब सोनल आएगी तो उनको एक ही बात बोला कि बैठो मैं जब तक तो जाके नहा के वापस आऊंगा करके। तो मैंने क्या किया था, वो भूत वाला मास्क वास्क सब पहनकर ब्लैंकेट ब्लैंकेट सब डाल के बेड के नीचे में क्लीन से सो गया था। वो आई बैठी, वो नॉक कर रही थी डोर जेड 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 करके। मैं ऐसे उठा, अरे बाप रे इतना गंदी भागी ना वो, बाप रे। सो आई जस्ट डिड अ प्रैंक, आई जस्ट मेड अ स्केयर बाय वेयरिंग दैट मास्क। तो यू आर अ बिग प्रैंकस्टर आई कैन से। तो आगे आप जो भी फिल्में करेंगे उसमें आपके को एक्टर्स को आपसे बच के रहना पड़ेगा लगता है। तो यहीं पे हम एंड करना चाहेंगे। और जैद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इस डेब्यू फिल्म के लिए। और आई होप कि एक बहुत ज्यादा सफलता इसको मिले, इस फिल्म को। जिस तरह का हमको इसका मोशन पोस्टर और इसके सॉन्ग्स दिख रहे हैं, जिस तरह का VFX, स्पेशल इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक दिख रहा है, एंड वी ऑल होप फॉर अ सुपर डेब्यू। आपका सुपर डेब्यू रहे थैंक यू और फिल्म रहे एकदम ब्लॉकबस्टर रहे, काफी लोग इसको देखने जाएं, और आगे भी आपको और प्रोजेक्ट्स मिलते रहें, हमें ऐसी जी। उम्मीद है। सो इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू जेड, एंड होपफुली हम आपके जब भी अगली फिल्म होगी हमारी फिर से मुलाकात होगी। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जेड हमें ज्वाइन करने के लिए एंटरटेनमेंट लाइव और ABP लाइव पे। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म।